नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखिए बच्चों, हम कर रहे थे संधि। संधि के तीन टॉपिक थे, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि के पांचों प्रकार हम सॉल्व कर चुके थे। अब हम कर रहे हैं व्यंजन संधि के प्रकारों को सॉल्व। व्यंजन संधि का जो पहला नियम था वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया था और हम उसको सॉल्व भी कर चुके थे, कुछ एक्सरसाइज भी हमने उसकी की थी। अब कर रहे हैं व्यंजन संधि का दूसरा नियम। देखिए दूसरा नियम क्या है, वर्ग के पहले व्यंजन के बाद, पहले व्यंजन के बाद मैंने बताया था कि वर्ग के पांच स्पर्श व्यंजनों में पांच वर्ग हैं, का वर्ग, च वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और प वर्ग। इनका यदि कोई पहला व्यंजन वर्ग हो, उसके बाद यदि कोई नासिक के व्यंजन आ जाए, नासिक के व्यंजन होते हैं न हलंत और म हलंत, तो आपने क्या करना है। अगर ऐसी कंडीशन हो कि आपको किसी वर्ग का क, च, ट, ता और पा, इनमें से कोई भी एक मिले, क्योंकि ये पांचों के पांचों क्या है बच्चों, ये पांच जो है स्पर्श व्यंजन। क्या है बच्चों पांचों? स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजनों के बाद यदि कोई आपको नासिक के व्यंजन देता है न या म, तो आप उसके स्थान पर क्या करेंगे, वर्ग का पहला व्यंजन वर्ण जो है, यानी ये जो व्यंजन वर्ण है वो अपने ही व्यंजन वर्ण के नासिक के व्यंजन में बदल जाएगा। नासिक के व्यंजन यानी अंतिम व्यंजन वर्ण में। हमने डिस्कस किया था कुछ अनुनासिक व्यंजन वर्ण होते हैं, यानी स्पर्श व्यंजनों के जो पांचों अंतिम स्वर होते हैं, सॉरी अंतिम व्यंजन होते हैं, वो क्या होते हैं, नासिक के व्यंजन, तो उनमें बदल जाता है। कैसे बदलता है एक बार देखिए, जैसे का लिखा हुआ है तो क्या इस वर्ग के नाम में चेंज हो जाएगा, यदि ता लिखा हुआ है तो वो अपने ही वर्ग के नाम में चेंज हो जाएगा, यदि ता लिखा हुआ है तो वो अपने ही वर्ग के नाम में चेंज हो जाएगा। अब इस तरह आपको सॉल्व करना है, तो करिए इसकी कुछ एक्सरसाइजेस। देखिए यदि वाक प्लस म लिखा हुआ है, तो वाक में जो ये क लिखा हुआ है ये किसने बदल देगा बच्चों, नामे, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वान में। कैसे चेंज किया वापस सुन लीजिए एक बार, किसी भी व्यंजन वर्ग का यदि प्रथम वर्ण हो और उसके बाद कोई नासिक के व्यंजन हो, तो वो जो प्रथम वर्ण है वो अपने ही वर्ग के नासिक के व्यंजन वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। जैसे शत प्लस मास, अब ता का व्यंजन वर्ण पंचम कौन सा होता है, न, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, क्षण मास। जैसे लिखा हो सत प्लस मार्ग, तय का अंतिम व्यंजन वर्ण कौन सा होता है, पंचम जिसे कहते हैं, वो होता है सन्मार्ग। ये सॉल्व मैंने कैसे किया समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए दिग प्लस मा, का की जगह वही लिखेंगे, कौन क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिग ना। शत प्लस मुख, क्षण मुख। जगत प्लस नाथ, जगन नाथ। ये तीनों व्यंजन वर्णों को मैंने आपको बता दिया है कि तीनों ही व्यंजन वर्ण किसके हैं, ये सभी स्पर्श व्यंजन हैं। और स्पर्श व्यंजनों में ही पांच व्यंजन होते हैं, एक वर्ग में पांच होते हैं, क, च, ट, त, प। और इन पांचों ही व्यंजन वर्णों में पांच ही व्यंजन होते हैं। जैसे हम कै की बात करें तो देखिए का, ख, ग, घ और न, चा, ता, चा, छ, ज, झ और य, ता, ख, द, ध और न, ता, ख, द, ध, न, पा, फा, बा, भ और म। ये हमारे पांच वर्ग है स्पर्श व्यंजनों के। ये सभी प्रथम वर्ण है, ये द्वितीय वर्ण है, ये तृतीय वर्ण है, ये चतुर्थ वर्ण है और वो पंचम वर्ण है। तो एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यदि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो और उसके जस्ट सामने हो उसका पंचम वर्ण, तो हम क्या करते हैं, उस प्रथम वर्ण के स्थान पर भी उसी वर्ग का पंचम वर्ण लिखते हैं। पंचम वर्ण में कोई से भी हो सकते हैं सामने उसके, उसका कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हमें चेंज किसमें करना है, उसी वर्ग के पंचम वर्ण में। यानी सामने कोई
पंचम वर्ण यहाँ पर कौन सा है, मैं। यहाँ टै लिखा हुआ है यहाँ पर भी मैं है, यहाँ टै लिखा हुआ है यहाँ पर भी मैं है। समझ आ रही मेरी बात? यानी यहाँ जो कै है, चै है और टै है, इन तीनों के सामने मैं लिखा हुआ है, जबकि मैं इसका पंचम वर्ण नहीं है। लेकिन नासिक के व्यंजन में ना और मैं आते हैं। कौन से आते हैं? ना और मा। तो ना और मा यदि हो, इनमें से किसी भी व्यंजन वर्ण के सामने, कचकतपे के सामने, तो इन कचकतपे के स्थान पर इन्हीं के वर्ग का पंचम वर्ण परिवर्तित होगा। बात समझ में आएगा आपको? इस जो हमने जो नियम किया है, इस नियम के अकॉर्डिंग आपको प्रथम वर्ण के स्थान पर यदि सामने कोई नासिक के व्यंजन वर्ण हो, तो उस प्रथम वर्ण को आप किसमें परिवर्तित करेंगे? उसके पंचम वर्ण में। आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, पूरी फॉर्मेशन लिखें, ताकि आपको एक चीज क्लियर हो जाए। साथ में ये भी लिखें ताकि आपको पता रहे कि प्रथम वर्ण कौन सा होता है, द्वितीय कौन सा होता है, तृतीय कौन सा होता है, चतुर्थ कौन सा होता है, पंचम कौन सा होता है। आई थिंक मैंने जो आपको समझाया है वो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आपको ये सारी चीजें ये वर्णों के साथ लर्न करनी है। जब तक आपको ये वर्ण लर्न नहीं होंगे, वर्ण याद नहीं होंगे, तब तक आप संधि नियमों को प्रॉपर सॉल्व नहीं कर सकते और ना ही इन्हें समझ सकते हैं। तो आप इन्हें याद करें और साथ में इनकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।